we are going to talk about the corporate entrepreneurship and leadership here we will discuss about the relationship between the corporate entrepreneurship and the leadership in a way how can we go into the develop corporate or the mega business orientation or the development now let what we will learn about it what will be the outcome of it so the new phenomena and how corporates are developing entrepreneurs within the organization setup up to promote creativity and drive profits. now, these are the very important points. i mean, one is the corporate who develops it. so is it the creativity requires organization or organization need uh, creativity? or the corporate becomes the corporate without creativity? is that just a trade?

अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम हम समझते हैं कि यहाँ पर जेफ़ बिजॉस की बात कर लें फेसबुक की बात कर लें आप यहाँ पर गूगल की बात कर लें आप यहाँ पर इंस्टा की बात कर लें अभी बेशुमार ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने जो कि अचानक से आपके पास आ गए और आपके जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बन गए क्या ये क्रिएटिविटी जो थी वो एम्यूजमेंट के लिए थी क्या ये क्रिएटिविटी फन के लिए थी अच्छा ये चीज़ें क्या ये जो लोग थे जिन लोगों की तरफ से ये चीज़ें बनी क्या है? इन्होंने एक्सीडेंटली बना दी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो बनी जैसे सोशल नेटवर्क अगर एक मूवी आपको मैं रेफर कर देता तो, हूँ उसके अंदर ये स्टोरी आपको मिल जाएगी कि फेसबुक जब बना तो एक्सीडेंटल बना अब उसका स्टोरी शेयर करना जरूरी नहीं है मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ उसमें अगर आप देखेंगे कि एक फेसबुक जो था एक कॉलेज ड्रॉप आउट उसने एक्सीडेंटली ये बना दिया बट ये बिजनेस प्लेटफॉर्म कब बन गया ये नेटवर्किंग के लिए कब बन गया ये बिजनेस इंटरप्राइज़ के लिए कब बन गया इसने कब से एड्स बनाना शुरू कर दिए उसके अलावा ये बिज़नेस कब से लेना शुरू कर दिया फिर गूगल जो है उसने बिजनेस कब से उठाना शुरू कर दिया नेट प्रॉफिट जो है यूट्यूब का कब था गूगल ने कब इसको टेक टेकअप किया इसकी वर्थ टोटल में कितनी थी फिर उसके बाद यूट्यूब जो है वो बढ़कर कितने बिलियंस के अंदर वन पॉइंट बिलियन uh, से हट कर ये ट्रिलियंस का सफर इसने कैसे तय कर लिया ये जो कन्वर्जन थी क्रिएटिविटी की ये प्रॉफिट ड्राइव कैसे इसको लग गई और फिर जब ये बिलियन ऑफ द बिलियन डॉलर्स के अंदर जब ये चले गए अगर फिर आपने देखा कि इंस्टा आ गया फिर उस इंस्टा के अंदर जो है वो मेनली सब का सब जो है वो बिजनेस कॉपरेशन शुरू हो गई स्मॉल इंटरप्राइज से लेके बड़ी इंटरप्राइज तक हर चीज इंस्टा के ऊपर बिक रही है सब लोग प्रमोशन पेड प्रमोशन आपके घर तक अवेलेबिलिटी है एवरीबडी बिकम द फ्री लांसर्सर्स की जो एक बहुत बड़ी मार्केट बनी सो so, इसका मतलब यह है कि कोई प्लेटफॉर्म खास तौर पे जो है दिस इज ऑल अबाउट डिजिटाइजेशन एंड डिजिटल वर्ल्ड अच्छा अब इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम जो है वो एक्सीडेंटल लोग आए यानी उनका कोई इरादा नहीं था गूगल को इस तरह से गूगल बनाने का और गूगल अब कन्वर्ट हो गया मेटा के अंदर तो मेटा को क्या सोच कर किया जा रहा है व्हाट्सएप को उसको टेकअप करना और फिर उसके बाद उसको मेटा वर्जन लॉन्च करना इसको किस तरीके से लाया जा रहा है लेकिन आप यह देखेंगे अगर आप इसका नेटवर्थ निकालना शुरू कीजिए तो क्या व्हाट्सएप क्या वर्थ दे रहा है यूट्यूब जो है वो मोनेटाइजेशन के ऊपर बिगेस्ट बिजनेस डेरिवेशन प्रॉफिट की तरफ जा रहा है गूगल uh, को आप देखिए कि बिजनेस की तरफ जा रहा है उससे पहले अगर आप देखेंगे कि याहू से क्या गलती हुई होगी उससे पहले देखिए कि ऑर्कट से क्या गलती हुई होगी क्या अपग्रेडेशन या इनोवेशन का इशू था नहीं बिजनेस ओरिएंटेशन नहीं थी एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट नहीं थी एंटरप्रेन्योरियल प्लेटफॉर्म नहीं था अगर आप यूजर्स के तौर पर देखें तो पाकिस्तान के अंदर नाइन्टी परसेंट जो है वो मोबाइल यूजर्स हैं यानी आप नाइनटी परसेंट मोबाइल यूजर्स के साथ पचास हजार से लेकर अगर किसी के पास तीस हजार से पचास हजार तक का मोबाइल ऑन एवरेज है अगर ऑन एवरेज आपके पास ये है तो एक मोबाइल जो है वो आपके लिए कंप्लीट बिजनेस प्लेटफॉर्म है अब आप उसके अंदर इंस्टा के अंदर आप कोई भी चीज़ बेच देते हैं चीज़ें आप बेच देते हैं। so, ये एक प्रॉफिट वेंचर का एक एक नया आइडिया डेवलप हो चुका है अच्छा इसने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो निगेट भी किया लेकिन उसके ऊपर हम ये नहीं डिस्कशन करेंगे कि उसके कौन क्या है हम प्रोज की बात करते हैं अब हम आगे देखते हैं जी मॉड्यूल 145 के अंदर डिस्कस होता है कि व्हाट इज वॉपरेट एंटरप्रन्योरशिप अब हम इस डिस्कशन के अंदर आते हैं कि कॉपोरेट एंटरप्रनशिप है क्या कॉपोरेट व्हाट वी रेफर इट टू सी इज द टर्म टू यूज डिस्क्राइब एंटरप्रनोरियल बिहेवियर इन साइड स्टैब्लिश मिड साइज एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अच्छा इसको कहा गया कि स्टॉप फोर एंड बेडन uh, फुलर ने 1994 के अंदर इस आइडिया को रखा और कहा कि जो कॉपरेट एंटरप्रेन्योरशिप है वो बिहेवियर और इनसाइड साइड मिड साइज और लार्ज साइज के लिए बनाई जाती है इसके अंदर बेसिकली एक बिहेवियरल uh, uh, जो है वो डिटर्मिनेशन है जो कि सारा मोटिव है प्रॉफिट का वन इज प्रॉफिट सो प्रॉफिट इज द मेन फोकस मैंने बहुत सारे फिलंट्रॉफिक बिजनेस देख लिए uh, अपनी लाइफ के अंदर भी बड़े लोगों के साथ काम किया उनका देखा लेकिन मैंने जब देखा कि जो फिलन के अंदर वो सारा का सारा जो है वो इंटरनली सब का सब जो है वो बिज़नेस छुपा हुआ उस बिज़नेस के अंदर एडवर्टीजमेंट कम्पेन के बजाय आल मूवमेंट चला दें तो वो आपको मार्केट के अंदर वो सेगमेंटेशन वो मार्केटाइजेशन वो एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा देती है वो कंपेन का पैसा सारा आप अगर इधर लगा दें तो आपको ज्यादा प्रॉफिट देता देन पॉपुलर और रिलेटेड टर्म इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप और द इन एंटरप्रेन्योरशिप इज ये टर्म्स uh, जो हैं ये नाइनटीन uh, ने 1985 के अंदर की मॉरिस ने और उसके बाद कोवन ने 2011 के अंदर रिगार्डलेस ऑफ द रीजन द एंगेज इन कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप इट हैजिकम द मेजर स्ट्रेटजी इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मूविंग ऑन तो ये करता क्या है देखें तीन चार चीजें आप समझ लीजिए एक तो वेंचर होते थे बिजनेस वेंचर एक थे स्ट्रेटेजिक वेंचर अब बिजनेस वेंचर कॉपोरेट वेंचरिंग के अंदर अगर हम देखें तो हमने मुख्तलिफेंचर देखे हमने गूगल को मुख्तफ चीजों को खरीदते देखा हमने यूट्यूब को किसी को मर्ज होते देखा हमने डिजिटल स्पेसिस को मुख्तफ चीज़ों में मर जोते देखा एक ज़माना ये प्रोक्टल एंड गैम्बल का भी हुआ करता था यानी बड़ी कॉपोट जो होती थी फिर उसके अंदर एफ एम सी जी के बड़ी कंपनीज जो थी आपस में वेंचर कैपिटल कर लिया करते थे फिर ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कॉपोरेट वेंचरिंग हुआ करती थी बट स्ट्रेटेजिक वेंचरिंग और कॉपोरेट वेंचरिंग में फ़र्क क्या है सो so, कॉपोरेट वेंचरिंग रेफर्स टू द इंटरनल कॉपोरेट वेंचरिंग और एक्सटर्नल वेंचरिंग ये दो उसके साइड्स होती हैं जैसे मैंने आपको अर्ज किया एंड देन इज स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक रिन्यूअल है सस्टेन्ड रीजनरेशन है डोमेन uh, डेफिनेशन है और रीडेफिनेशन है रीडिफाइनिंग भी बाजू का कर सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन रेजुवेंशन है और बिजनेस मॉडल रिफाइनेशन है इनके अंदर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर केस ऑफ रॉबर्ट मॉन्डेवाय के उसके ऊपर हम देखते हैं Kathinka was the son of the immigrant uh, parent who began producing wine in 1966 at the age of 54. The Robert vision was the, to create wine in California that could successfully compete with the uh, greatest uh, wines of the world. To achieve, he did the following. do? jisne, built a state of the art winery, usne, ek pura kapura corporate structure diya. मैं यहां पर बहुत सारे बिजनेस पाकिस्तानी बिजनेसेस को खास तौर पर देखा कि एक पूरा का पूरा वेंचर डेवलप करने के लिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें जरूरी माइनस होता है प्रॉफिट आगे होता है और नीचे का स्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो होता है और जो एम्प्लॉयर रिटेंशन इंप्लॉय एम्प्लॉय फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट इनके पास है ही नहीं और टोटल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये भाग रहे होते हैं और मैक्सिमम लॉसेस कर रहे इनको कोई अंदाजा नहीं होता कि वो लॉसेस कहाँ से हो रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जैसी जगहों के ऊपर आमतौर पर लोग लैंड ग्रैबिंग ज्यादा करते हैं अच्छा एसेट तो बढ़ जाता है एसेट की प्राइस जो है वो जैसे क्योंकि किसिनो इकॉनमी होती है तो वो एसेट की प्राइस बढ़ गई लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फेलेर है वो उनको ना नजर आता है और नजर आ सकता है To achieve following built a state of the art winery, establish the Robert Mandavi brand name in the premium wine market, expand business raw material by collecting with top vineyards, then assign long term contracts with growers to improve the quality, assemble expert with the various backgrounds in the field of the culture of winemaking to give the evidence on the new wines, develop new technology that allows special handling of grapes. एंड द कोल्ड फमनेशन ऑफ द वाइट वाइन अच्छा इसकी पूरी टाइप पूरी सप्लाई चेन एंड क्रिएटेड इनोवेशन सोकिंग ऑफ द बोटल एंड एजिंग ऑफ द वाइन इन न्यू फ्रेंच ओक बैरल्स अब आपने जैसे यहाँ पर देखा कि उसने पूरी की पूरी फनल से लेकर उसके पूरे स्ट्रक्चर तक उसको स्टडी किया एंड देन ही मोस्टली फोकस ऑन द स्ट्रक्चर हम कोई चीज बनाते हैं तो बेसिकली हम चाहते हैं कि बस हवा में हो जाए लेकिन उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भूल जाते याद रखिए कि जब से ये डिजिटाइजेशन शुरू हुई है हमें लगता है कि हम फेकली कोई चीज जो है वह स्क्रीन पर शो करके दिखा देंगे और प्रोडक्ट जो है वो नहीं दिखाई जाएगी आपने वेस्ट पर देख लिया जहां पर भी आपने वेस्ट बिजनेसिस देखे होंगे कि कोई भी चीज़ प्रामली जब भी प्रोडक्ट कोई मार्केट के अंदर अपना एक खास ब्रांड बनाती है और ब्रांड से बड़ी कोई चीज़ नहीं लेकिन याद रखिए ब्रांड फेक नहीं हुआ करता ब्रांड के लिए दस पंद्रह चीजों की हाइप नहीं हुई हुआ करती उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर के अंदर सप्लाई चेन होता है सप्लाई चेन के अंदर एक एक्सपेंडेबिलिटी uh, होती है एक एक्सपेंशन होती है एक स्टेब्लिशमेंट होती है एक एसम्बलिंग होती है एक डेवलपमेंट होती है एक फाइनेंशियल पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म होता है और देन फिर वो प्रोडक्ट जो है वो रेजुवेंशन करती है या ब्रांड रेजुवेंशन की तरफ जाती है या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पकड़ती है और फिर रिटेन करती है थैंक यू वेरी मच